दोस्तों, आखिर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट और साथ साथ जनता की नज़र में जो विनर है यानी फुकरा इंसान, अब उन्होंने यहां पर बिग बॉस के मेकर्स पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। एक ऐसा इल्ज़ाम जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप सबको ये पता चलेगा कि फुकरा इंसान ने बिग बॉस के मेकर्स पर जो इल्ज़ाम लगाया है, तो आप सब भी इस खबर को सुनकर हैरान हो जाएंगे और साथ साथ आप सब इस खबर को सुनकर शॉक भी हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा इल्ज़ाम अब अभिषेक मल्हान यानी इंसान ने बिग बॉस के मेकर्स पर लगा दिया है, जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। आखिर क्या है पूरी खबर, आखिर कौन सा है ये इल्जाम, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस रियलिटी शो से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए जो घर में कंटेस्टेंट आए थे यानी एलविश यादव, अब उसने फुकरा इंसान से ट्रॉफी छीन कर अपने नाम कर ली है, यानी ग्रैंड फिनाले में वो विनर बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि घर में एक और कंटेस्टेंट थे जिनका नाम है अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान, जो पहले ही एपिसोड से घर में थे और काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे थे। इसलिए अब आपको बता दें कि फुकरा इंसान ने बिग बॉस के मेकर्स पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, और इल्जाम यह है कि यहां पर फुकरा इंसान ने यह कहा है कि घर में मैं पहले ही एपिसोड से काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था और काफी ज्यादा कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि मैंने यह डिसाइड कर लिया था कि मैं काफी ज्यादा मेहनत करके इस ट्रॉफी को अपने नाम करूंगा। लेकिन फुकरा इंसान ने यह कहा कि मेरी जो हारने की वजह है उसके पीछे कहीं ना कहीं बिग बॉस के मेकर्स का एक बहुत बड़ा इल्जाम है। यहां पर फुकरा इंसान ने यह कहा कि बिग बॉस के जैसे ही मैं बिग बॉस के घर से बाहर आया, और जैसे ही मैंने बिग बॉस के एपिसोड देखे, तो मैंने उसमें ये पाया कि उसमें बहुत सारी एडिटिंग की हुई है और ये सब बिग बॉस के मेकर्स की चाल थी, और शायद कहीं ना कहीं मेरे हारने के पीछे की भी यही वजह है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।